हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हमारे साथ है धवल शाह, जो जेनी एंटरप्राइज के ओनर हैं, जिनका हम लोगों ने सिविल का काम लिया था। तो सर बताइए, आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? आपका रेफरेंस मुझे गूगल से मिला। अच्छा, गूगल से आप लोगों ने जो हमारे गूगल में जो जस्ट डायल या हमारे वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने सर्च किया था, वहाँ से मिला है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारा कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने जो काम किया आपका इंडिविजुअल रिपोर्ट पे किया या कॉमर्शियल रिपोर्ट पे किया है? कॉमर्शियल रिपोर्ट पे ओके, आपके कॉमर्शियल रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी सर, थोड़ा बता सकते हो? प्रॉब्लम ये आ रही थी। हमारी बैंक में बड़ी सीसी चल रही है, तो रिव्यू रिपोर्ट में सिबिल की वजह से हमारा रेटिंग कम हो रहा था, और सिबिल में एट के ऊपर हमारा स्कोर था, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी सब फाइनेंशियल बहुत एकदम क्लियर है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से सिबिल हमारा ज़्यादा आ रहा था। तो फिर हमको डाउट आया, फिर हमने ऐसे गूगल में सर्च ऐसे कोई मतलब आपका सीएमआर रैंक में जो इश्यू था, सीएमआर रैंक आपका बिलो 8 था, मतलब आपको जो 8 के ऊपर लाना था, तो उसका काम हम लोगों ने करके दिया है। तो अभी आपका रैंक कितना हुआ सर? अभी हमारा 2 हो गया। रैंक 2 हो गया। ठीक है सर, तो आप हमारे वर्क से सेटिस्फाइड हो के आप अगर 10 में से रेटिंग देना चाहो तो कितने रेटिंग टेन दोगे? में से मुझे रेटिंग देना होगा तो मैं आपको 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि ओके, थैंक यू सो मच सर। ये जो दो नौ जो टू दो हमने जो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि सीएमआर रिपोर्ट 5-6 आएगा हमारा, लेकिन ये इतना अच्छा आया और हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी अच्छा रहेगा होगा तो आया होगा, लेकिन आपका भी सर्विस बहुत अच्छा था। थैंक यू सो आपको मच। आपको सर हमारा बैकएंड डिपार्टमेंट का जो रिस्पांस था हमारी टीम का, वो रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत रहा। बढ़िया, बहुत ओके बढ़िया। सर, अगर आप हमारा रेफरेंस किसी और को देना चाहो तो देंगे जिसको भी ज़रूरत होगी, हम 100% देंगे आपका रेफरेंस। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि ऐसे सिविल रिपोर्ट कैसे क्लियर किया जाता है। इनके भी एजेंट होते हैं, मीन्स आपके जैसे होते हैं क्लियर करने वाले, तो जिसको भी ज़रूरत होगी हम सामने से आपका रेफरेंस देंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आपने आपका थोड़ा टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत पटेल है। मैं जैन एंटरप्राइज में एज अकाउंट्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल थोड़े महीनों के पहले हमारे बैंक में सीएमए रिव्यू के दौरान थोड़ा इश्यू आया था सीएमआर रेटिंग के बारे में, तो मैंने ऑनलाइन रेफरेंस में अपूर्व फाउंडेशन को रिफर किया था, और उनके थ्रू विद इन अ 3 मंथ्स में हमारे जो भी रेटिंग्स थे वो काफी इम्प्रूव हुए हैं। और एक दो जो डिस्प्यूट था रिगार्डिंग टू लोन कंसर्न, जो दूसरी पार्टियों के भी हमारे पैन नंबर के बिहान में शो कर रहा था, उन्होंने सॉल्व करके दे दिया एंड दे आर वेरी कमिटेड। उन्होंने बोला था कि विद इन 2 या 3 मंथ्स में हो जाएगा। उनकी बैकएंड ऑफिस से भी काफी सपोर्ट मिला, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन देयर कमिटमेंट, एंड व्हाट एवर उन्होंने जो काम किया है वो वेरी वेरी अप्रिशिएबल है, एंड पर्सनल टच भी काफी उनका अच्छा था। एवरीथिंग इज वो काफी ट्रांसपेरेंट है, एवरी जो भी मैटर था उसके बारे में, और रिपोर्ट भी एकदम कंप्लीट आ गया हमारा। और थैंक्स टू अपूर्व फाउंडेशन, एंड अगर हमारे ग्रुप में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली वी विल शेयर द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अपूर्व फाउंडेशन एंड वी विल गिव अ टॉप रेटिंग टू हिम। इट्स दैट इज आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10, एंड थैंक्स टू अपूर्व फाउंडेशन फॉर गिविंग अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड एंड सर्विसेज। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ, और आज हम लोग आए हैं विपुल शाह, जो गिरिराज इंडस्ट्री और सेजी इंडस्ट्री के ओनर हैं, जिनका हम लोगों ने अपूर्व फाउंडेशन में काम लिया था। क्रेडिट ब्यूरो में जो रेक्टिफिकेशन का काम था उनका, तो उसके रिलेटेड हम लोग आज विपुल शाह सर से मिलने आए हैं कि सर को हमारी सर्विसेज रिलेटेड क्या लगा, कैसा लगा। अपूर्व फाउंडेशन की सर्विस अच्छी थी, और हमारा जो प्रॉब्लम था HDFC बैंक से कि जो हमने लोन नहीं लिया था फिर भी हमारे में सिविल में लोन बोलती थी, वो अपूर्व फाउंडेशन को हमने लाइजिंग काम दिया था। वो अपूर्व फाउंडेशन ने
वो लोन टेक्निकली जो हमारा फॉल्ट था सिबिल वाले का वो उसने रिमूव करवाया था और जो भी काम किया था वो इन टाइम और हमारा क्रेडिट इश्यू जो भी था बैंक के साथ वो क्लियर हो गया सिबिल की वजह से। लाइक थैंक्स टू अपूर्व फाउंडेशन के उसने सही वक्त पे सही काम कर दिया और हमारे बिजनेस को कोई इश्यू नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर। विपुल सर, आपको अपूर्व फाउंडेशन का जो एम्प्लॉई थे उनका बिहेवियर कैसा लगा और आपको सर्विस रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह कुछ हो तो बताइए सर। नहीं, अपूर्व फाउंडेशन को हमने जो भी काम दिया था जो भी डील किया था उसके साथ वो स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ था और जो हमने टाइम बींग उसके साथ कमिटमेंट किया था उससे 5-6 दिन पहले मेरा सिविल का जो भी इश्यू था वो क्लियर हो गया था और लेटेस्ट स्कोर हमारा सिविल का रेटिंग वाला हमको मिल गया था, इश्यू कोई नहीं हुआ था। और मैं दूसरे किसी को भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपूर्व फाउंडेशन को कुछ भी काम है सिविल के लगते कुछ भी तो आप उसको दे सकते, सब कुछ काम सही हो सकता है ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आपको फ्यूचर में ऐसा कोई भी कोई प्रॉब्लम इश्यू आए आपके फैमिली मेंबर के आपके कलीग को या कोई भी नेटवर्क में हो किसी को भी हमारे अपूर्व फाउंडेशन की सर्विस की रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारा कॉन्टेक्ट करवा सकते हो। डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उनका सेटिस्फेक्शन काम करके दे सके उसके लिए। और थैंक यू सो मच आपने थोड़ा टाइम दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्न प्रजापति एंड हूँ लास्ट 4-5 इयर्स थी एक बिजनेस फॉर्म चलावुं छू जेनु नाम समर्थ ऑटो एजेंसी करीन छे गांधीनगर खाते। जयरे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एना माटे अप्लाय कर्युं हतुं लोन माटे, बिजनेस लोन माटे, तो ए वक्ते मारा डॉक्यूमेंटेशन अने सिबिल में थोड़ो घणो प्रॉब्लम्स आई रहा था, हर्डल्स आई रहा था। पछी मने मारा बैंक थ्रू एक ऑफिसर छे SBI हिम्मतनगर खाते विमल कुमार शाहना એમના રેફરન્સ પણ મળ્યો। પછી હું તેમને પર્સનલી હિંમતનગર ખાતે એમનું ફોર્મ છે ત્યાં એમને મળ્યો, એમને મારા ડોક્યુમેન્ટેશન્સ બધું બતાવ્યું, મારો સિબિલ સ્કોરનું રિપોર્ટ એમને બતાવ્યો। ત્યારબાદ એ એક અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન કરીને એક ફર્મ સાથે અને એક એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા છે, તેમને એમને મને રેફરન્સ આપ્યું કે તમે આમાં એક એપ્લાય કરીને જુઓ। એના પછી જ્યારે મેં મારા ડોક્યુમેન્ટેશન્સને રિલેટેડ જે વસ્તુ હતી મારો સિબિલ સ્કોરને બધું મેં એમને બતાવ્યું, એમને પછી એમને મને ડિટેલ્સમાં મારું રેક્ટિફિકેશન કર્યું અને મને પર્સનલ મને કોન્ટેક્ટ કર્યો। અને એ વખતે પછી એમને એમના જે બી હતા મારા જે બી ઇસ્યુઝ હતા એટ ધેટ ટાઈમ એમને બધા એમને સોલ્વ કરી આપ્યા। મારી આખી ફાઇલ જે હતી જે ઘણા ટાઈમથી અટકેલી હતી ફોર અ સિમ્પલ રીઝન્સ એ એકદમ ઇઝીલી અને એકદમ સેટિસ્ફાઈડ વેમાં સોલ્વ થઈ ગયું અને મારું આખું પ્રોસેસ જે છે આખી ફાઇલ જે લાઇનઅપ આવી ગઈ એના કારણે અને એમ આફ્ટર દેટ મારું જે પ્રોસેસ છે કમ્પ્લીટ થઈ અને મારે લોન લેવામાં એકદમ ઇઝીનેસ પડી છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વિમલ શાહ એન્ડ અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન। અને એના પછી મારો સિબિલ સ્કોરમાં ઘણો સેટિસ્ફાઈડ ચેન્જ આવેલો છે જેના કારણે મને જે ડર હતો કે ફ્યુચરમાં હું જે બી લોન લઈશ બિઝનેસ રિગાર્ડિંગ લઈશ એમાં પર્સનલ લોન લઈશ કે એના કારણે આ બધા ઇશ્યુઝમાં ના આવે તેના માટે અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન અને વિમલ શાહનો સો મચ ગ્રેટફુલ છું કે સરે મને એક રેફરન્સ આપ્યો જેના કારણે મારો જે ટોટલ પ્રોસેસ છે એકદમ ઇઝીનેસથી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। અને હું બધા સજેસ્ટ કરીશ કે એકવાર તમે બી જો એમને કોન્ટેક્ટ કરો, હવે ઓનલાઈન બી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, એમનું વેબસાઇટ બી છે તમે જઈને સર્ચ કરી શકો છો। મેં બી એવી રીતના સર્ચ કર્યું છે, મને એમનો રિસ્પોન્સ બહુ ઇઝીલી મળી ગયો હતો, એમને મને કોલ કર્યો, મારું બધું ડોક્યુમેન્ટેશન બધું એમને થ્રુ ડિજિટલ સોર્સિસ મંગાવી લીધા અને એમને મને સામેથી કોન્ટેક્ટ કરીને ટાઈમ આપ્યો મને કે સર તમે આમાંથી અમે વિઝિટ કરજો, અમે તમને બધું ઇઝીનેસથી પતાવી આપીશું અને તમે બી એકવાર એપ્લાય કરી શકો છો ત્યાં। એમનું બિહેવિયર એઝ એન એમ્પ્લોય કસ્ટમર સાથે બહુ સારું છે જેના કારણે તમને દરેક જગ્યાએ હેલ્પફુલ રહી શકશે। સો અત્યારે હાલ બી મારા જે બી લોન પ્રોસેસનું કોઈ બી કામ હોય છે હું એકદમ ફ્રીલી એમને કોલ કરું છું કે સર મારે આ કામ છે અને એ લોકો મને સેટિસ્ફેક્ટ રિસ્પોન્સ આપે છે। અને અગર રેટિંગની વાત આપશે તો હું એમના 10 out of 10 અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન રેટિંગ 110% આપીશ। સો થેન્ક યુ અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન ફોર સચ અ ગ્રેટ હેલ્પ। नमस्कार, मैं नीलेश कोष्टी अप्रो फाउंडेशन से नेशनल डेवलपमेंट बिजनेस मैनेजर हूँ। आज मैं हमारे एक जाने माने क्लाइंट जयंती भाई पटेल जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनका थोड़ा हम इंटरव्यू लेने आए हैं उनके बारे में जानने आपको बताने के लिए ताकि हम बता सकें हमारा काम कैसा है। तो जयंतीलाल जी आपके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। मैं जयंतीलाल पटेल केमिकल इंडस्ट्री वर्षों से बिलिंग करता हूँ।
अच्छा सर, आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला था? बैंक से। ओके, तो सर आपके सिविल में वैसे क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे सिविल में बिजनेस लोन जो मेरा बैंक में प्रोसेस कर रहा था वो सब रिजेक्ट हो रही थी सिविल कोर्ट की वजह से। तो सर आपका जो प्रॉब्लम था वो हमारे रेफरेंस से जो काम मिला लीगल प्रोसेस हुआ तो उसमें आपको कैसा क्या दिक्कतें सॉल्व हुई, कैसा हुआ आपका अनुभव कैसा हुआ? मेरा तीन बैंकों का प्रॉब्लम था, एक SBI का था, HDFC और HDB बैंक का था। ओके, जो मेरा सिविल स्कोर उसमें कम बता रहा था उसकी वजह से, जो अभी 700-750 के आसपास, हाँ 700-770 का हो गया अभी। ओके, तो सर आपका हमारे बारे में, हमारे लीगल प्रोसेस के बारे में क्या आपका फीडबैक रहेगा? आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, और जो भी प्रोसेस आपने किया वो अच्छा बेहतर किया है जी। और लीगल टीम जो आपकी थी जिन्होंने भी पूरी तरह से मेरा जो पेपर वर्क था वो सब सही से कर दिया है। अभी मेरा जो लोन का जो भी प्रोसेस मैंने किया है हाल फिलहाल वो 1 ईयर का भी लोन मेरा हो गया। ओके, कांग्रेट्स बढ़िया। ओके सर, तो मैं हमारे रेटिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर आपको 10 में से हमको रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे आप? 10 में से 10 ही मैं 10% दूंगा क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी है, बढ़िया है, और मेरे को दूसरे किसी को भी रेफरेंस देना हो तो मैं दूंगा जी। सर धन्यवाद, आपका ये फीडबैक हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और ताकि लोगों तक हमारी सर्विस पहुंचे, जानकारी पहुंचे, बस यही हम चाहते थे। धन्यवाद सर। मैं हितल दवे परोड़ा से बिलिंग्स करती हूँ। मुझे जब SBI से एजुकेशन लोन की ज़रूरत थी तब मैंने बताया तो उन्होंने बताया कि आपका सिबिल स्कोर बहुत कम है और बजाज फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था उन्होंने मेरा एक 30 रुपीज़ के लिए राइट ऑफ कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम सुधारने के लिए मैंने जब अपूर्व फाउंडेशन का कांटेक्ट किया तो अपूर्व फाउंडेशन का कांटेक्ट मुझे निमिष भाई साहब बड़ोड़ा से जो CA है उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था। अपूर्व फाउंडेशन ने मेरा काम लिया और तुरंत मुझे बताया कि आपका काम विद इन 15 डेज हो जाएगा। और मेरा पहले सिबिल स्कोर बहुत कम था, अपूर्व फाउंडेशन को काम देने के बाद उन्होंने मेरा स्टेप बाय स्टेप सभी एजेंसी जो सिबिल स्कोर का काम करती है उसका सभी सिबिल स्कोर मेरा सुधार के दिया, इम्प्रूव करके दिया और मेरा सिबिल स्कोर भी उसके बाद 750 जैसा हो गया और जो रिटर्न ऑफ का प्रॉब्लम था वो भी मेरे सिबिल स्कोर में से निकल गया। मैं मेरे रेफरेंस में मेरे फैमिली मेंबर्स है या तो मेरे फ्रेंड्स है या मेरे कलीग्स है मैं अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस दूंगी क्योंकि वो जो भी सिबिल स्कोर सुधारने का काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और मैं उनका जो सर्विसेज है बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है, मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपर मैनेजर की पोस्टिंग पे काम करता हूँ। आज हमारे साथ है संतोष मानेक सर जी जिनका हम लोगों ने सिविल रेक्टिफिकेशन का काम लिया था। तो हम आज संतोष जी से पूछते हैं कि हमारी जो सर्विसेज है और उसके रिगार्डिंग वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो संतोष जी आप बताइए कि पहले तो आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? रेफरेंस आपका जो मिला मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में से, एक उत्पल मैडम करके उनसे मेरे एक फ्रेंड ने मुलाकात करवाई, सिम मेरा इश्यू चल रहा था पिछले कई टाइम से तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि इस तरह से हम वर्क करते हैं, इसमें अगर आप चाहो तो आपका सिविल का जो भी इश्यू है वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। फिर हमने उनको पूरा मैटर उनको हैंड ओवर कर दिया और फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया है। ओके, सिविल क्लियर उन्होंने करके दिया अभी। आपने जब उत्तर मैडम का कांटेक्ट किया तब आपके सिविल में क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या इश्यू था? इश्यू में ऐसा था, क्रेडिट कार्ड का इश्यू था प्लस एक PL का मेरा इश्यू था, दोनों में DBD काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रहा था, वो दोनों की वजह से करके मेरे को कोई भी लोन नहीं मिल पा रही थी, इवन इफ सिक्योर लोन के लिए भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। ओके, तो उत्तर मैडम ने जैसे कि आपको कांटेक्ट किया था आपने उनको सिविल रिपोर्ट आपका फॉरवर्ड किया जी हाँ। तो उन्होंने हमारे अपूर्व फाउंडेशन में आपका सिविल का काम करने के लिए प्रोसेस करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस सब कुछ हम लोगों को प्रोवाइड किया जी जी। तो हमारे बैकएंड डिपार्टमेंट ने आपको जो ये काम करने के लिए कॉलिंग किया होगा या वर्कआउट के लिए प्रोसेस किया होगा जी, तो हाँ। उसके रिगार्डिंग आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी? सर्विसेज में ऐसा है कि जिस हिसाब से उनका कमिटमेंट था इन बिटवीन में उन्होंने काम तो मेरा कंप्लीट करके दे दिया,
हाल में मेरा सिविल जो लास्ट कई अर्सों से जो चल रहा था उससे अभी बेटर है। जो इश्यू था वो इश्यू तो क्लियर हो ही चुका है, बस इन टाइम में उन्होंने मेरा ये काम कंप्लीट करके दिया हुआ। ओके, जब आपने हम लोगों को काम दिया अपूर्व फाउंडेशन में, तब आपका स्कोर कितना था और हम लोगों ने काम करके दिया उसके बाद आपका स्कोर कितना हो चुका? जब ये इश्यू था उस टाइम पे करीबन 500 के आसपास में सिविल दिख रहा था, बट मीनिंगलेस था, और अभी जो है वो करीबन 700-750 के आसपास में है। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन के काम करने के बाद आपको जो नीड थी हाउसिंग लोन की तकरीबन जी, तो वो सर्विसेज आपके जो नीड थी वो क्लोज हो गया? जी हाँ, हो गया। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन की सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हो? जी हाँ, 100% सेटिस्फाइड। ओके, अपूर्व फाउंडेशन को अगर हम लोग रेटिंग देना चाहे कुछ, आप अपनी तरफ से कोई 10 में से कोई रेटिंग देना चाहे तो कितने रेटिंग देना चाहोगे? 10/10 दे सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कोई भी ग्रुप में सर्कल में किसी को भी ऐसी दिक्कत इसी हो तो अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस जरूर दीजिए, और आप अपने जो भी सर्कल ग्रुप में जिनको फाइनेंस रिलेटेड इश्यू है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो आप ये अपूर्व फाउंडेशन में कॉन्टेक्ट करा सकते हो जी, तो हम लोग उनको सेटिस्फाइड काम करके 100% दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू संतोष जी, आपने थोड़ा टाइम दिया। मारो नाम असनानी साहिल कुमार शमसुद्दीन भाई, रहेवानो बोटाद, सालेमपुर रोड पर। मारे पॉपकॉर्नो बिजनेस छे, घणा टाइमथी हूँ चलावी रह्यो छूं, पण थोड़ी सीबिलने हिसाबे एने बधे थोड़ी प्रॉब्लमो लोन लेवामां बधामां खूब थती हती, सीबिल स्कोर ओछो हतो। त्यारबाद मने रणजीतभाईनो रेफरन्स मळ्यो, एमे सीबिल ब्रोनो ऑफिस जे बोटादमां खोली छे, अने त्यारथी मैं एमने मारुं काम आप्युं, तो એમણે મારો સિવિલ સ્કોરનું બહુ સરસ કામ અને બહુ ખૂબ ઝડપી મને કમ્પ્લીટ કરી આપ્યું, મને બહુ સારો રિપોર્ટ મળ્યો। ત્યારબાદ મેં લોન પણ જે મને નહોતી મળતી એ લોન પણ મને મળવા માંડી મળી ગઈ। પછી મેં પણ ઘણા બધા રણજીતભાઈને કોન્ટેક આપ્યા કરાવ્યા, અને બહુ સરસ રીતે મારું સક્સેસફુલ કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। થેન્ક યુ।